नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंड ड्राइव पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे जो स्ट्रेंथ जो हमारा चल रहा था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन, तो ऑलरेडी हमारे कुछ कंप्लीट हो चुका था, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि आपका आने वाले जो इसरो का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका हेल्पफुल होने वाला था। तो कुछ लास्ट और एक थोड़ा सा बाकी था, तो मैंने आपको बताया था कि और एक वीडियो में मैं कैसे भी करके कंप्लीट करने के लिए कोशिश करूँगा। तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट करके एक नोट्स बना के आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज। तो ये देखिए, मैंने आज का जो ये टॉपिक है, ऑलरेडी हमारा लास्ट जो हुआ था फ्रेंड्स, वो हमारा शेयरिंग स्ट्रेस था, हुआ था शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये फंडा मैंने समझा दिया था, ये ऑलरेडी बीएसएससी में आया था। जो अगर एक ब्लॉक में शेयरिंग स्ट्रेस होता है, मतलब शेयरिंग स्ट्रेस जब क्रिएट होता है, तो वहाँ पे स्ट्रेस का एरिया क्या होता है, तो स्ट्रेस का एरिया होगा लेंथ इनटू वाइड। तो ये थोड़ा आपको याद रखना, ये एग्जाम में आता है फ्रेंड्स। और उसके लिए मैं थोड़ा डेफिनेशन भी यहाँ पे समझा दिया था आप लोगों को। और आज से हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, अभी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो अगर आप नया हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो। प्लीज़ फ्रेंड्स, एक लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, कोई भी आप देख रहे हो तो एक लाइक कर दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है हुक्स लॉ। देखिए, हुक्स लॉ ये जो टर्म आप देख रहे हो, हुक्स लॉ पहले से ही, जो जितना सारे मैंने यहाँ पे टर्म्स समझा रहा होता, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, तो ये सब टर्म आपको याद रखना है, ये टर्म्स ही आता है डायरेक्ट इसरो में, ठीक है। तो देखिए, हुक्स लॉ पहले क्या होता है। हुक्स लॉ का मतलब, हुक्स एक साइंटिस्ट था, हुक उसका नाम था। तो उसने एक लॉ दिया था कि हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है दोनों प्रोपोर्शनल होता है विद इन द इलास्टिक लिमिट। एक कोई भी मटेरियल में एक लिमिट होता है जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, मतलब एक इलास्टिसिटी रहता है। मतलब मानिए कोई भी मेटल को हम दोनों तरफ खींच रहे, देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो फोर्स, ये तो कंप्रेसिव हो रहा है, ये इस ड्राइंग पे मानिए एक बॉडी है और दोनों तरफ हम खींच रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी का एक लेंथ एलोंगेशन होगा, मतलब लेंथ इंक्रीज होगा। अगर आप फिर फोर्स को छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, दोनों ऑटोमेटिकली उसका ओरिजिनल पॉइंट में आ जाएगा। तो मानिए कुछ एक पॉइंट है, मतलब ये दोनों फोर्स आप लगा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप मनमानी करके जितना चाहे उतना फोर्स दे दोगे और लंबा हो जाएगा, फिर से रिटर्न आ जाएगा, ऐसा नहीं। इस बॉडी का कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट तक अगर आप खींच के छोड़ते हो तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, पर उससे ज़्यादा खींचोगे तो वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो जो एक लिमिट है फ्रेंड्स, उस लिमिट को हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, तो ठीक। और लिमिट से क्रॉस हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी हो गया। और अगर लिमिट के अंदर है तो आप हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट और इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए, यहाँ पे हुक्स लॉ ने क्या बताया कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, मतलब विदिन इलास्टिक लिमिट, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन ऑब्वियसली बढ़ेगा, मतलब उसका डायमेंशन में चेंज होगा। स्ट्रेस सबको पता है, लोड पर एरिया। तो अगर हम कुछ पर्टिकुलर एरिया पे हम लोड दे रहे हैं तो उसका स्ट्रेन, मतलब बॉडी का जो भी डायमेंशन होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो कब तक चेंज होगा, चेंज होता रहेगा। मानिए आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, मतलब आपका फोर्स ज़्यादा दे रहे हो, स्ट्रेन भी चेंज होगा, मतलब लेंथ भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो मानिए एक लिमिट आएगा, एक इलास्टिक का लिमिट है, उस लिमिट तक ही आप इसको ये कर सकते हो कि स्ट्रेस ज़्यादा दोगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। फिर इलास्टिक लिमिट अगर क्रॉस हो जाएगा तो ये तो पूरा ही इसका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुक्स लॉ ने वहाँ पे ये तथ्य बताया था। तो ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएगा कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तो वो कौन सा लॉ है, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में ऑप्शन आएगा चार, उस पर मतलब क्लिक करना है हुक्स लॉ। सेकंड देख लेते हैं, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या, इसका डिनोट करते ई से, तो इसका क्या है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दो स्ट्रेस और स्ट्रेन का दोनों का रेशियो हम लेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू का हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। जब हम ये कब आएगा, जब हम टेंसाइल फोर्स कंसीडर करेंगे, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेस लेंगे, ठीक है। और ये क्या, ये जो यंग्स मॉडुलस हर एक मटेरियल में कांस्टेंट होता है, अलग अलग वैल्यू होता है इसका, पर कांस्टेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और ई का मतलब आप समझ लेना यंग्स मॉडुलस। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है, सॉरी हमारा जो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस होता है और बाय शेयरिंग स्ट्रेन, तो उसको हम सी भी बोल सकते हैं, जी भी बोल सकते हैं, और उसको अलग नाम से हम शेयर मॉडुलस भी बोल सकते हो। तो आपको ये टर्म पूरा याद रखना है। फिर देखिए 9 नंबर, यील्डिंग पॉइंट। यील्डिंग पॉइंट मतलब क्या है, मानिए ये हमारा दो लाइन है, दो ग्राफ बनाया मैंने, ये हमारे एलंगेशन का है, ये हमारा लोड का लाइन है। तो मानिए कोई भी मटेरियल के ऊपर हम क्या करेंगे, उसका लोड इंक्रीज करेंगे, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल का पॉइंट है विच देयर इज मार्क्ड, यहाँ पे मार्किंग हमने किया है, इंक्रीज्ड इन एलंगेशन विदाउट इंक्रीज इन लोड, मतलब लोड हम नहीं देंगे फिर भी हमारा जो एलंगेशन, मतलब हमारा जो मटेरियल जो लंबा होते जाएगा। मानिए हमारे पास एक कोई भी मटेरियल, माने एल्यूमिनियम का एक रॉड है, आप क्या कर रहे हैं उसको दोनों तरफ से मानिए 10-10, तो मानिए 10-10 kg का आप लोड दे रहे हो, तो ठीक है, तो लोड दे रहे हो, माने पहले 10 kg दिए हो, कुछ नहीं हुआ, 15, 12 kg, 13 kg ऐसा बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, बढ़ते बढ़ते आप ऐसा पॉइंट आएगा फ्रेंड, मानिए 15 kg तक आप कुछ नहीं होगा, फिर 15 kg के बाद आप 16 kg करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो एलंगेशन होता रहेगा, मतलब वो रॉड क्या होगा लंबा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा, मानिए ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है और ये हमारा रॉड है और नीचे मानिए हमारा ये वेट है, ठीक है, तो वेट मानिए आप प्लस करते ही जा रहे हो, प्लस करते ही जा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ये मानिए ये जो रॉड है, ये जो काला ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये रॉड मान लीजिए एल्यूमिनियम का रॉड है और ये सर्कल बॉल देख रहे हो, ये मानिए वेट आप बढ़ा रहे हो, तो मानिए पहले 10 kg, फिर 11 kg, फिर 12 kg, फिर भी ये रॉड लंबा नहीं हो रहा है। मान लीजिए 15 kg के बाद ये जो रॉड है ये धीरे धीरे लंबा होने लगा, तो 15 kg के बाद आप 16 kg देने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो लंबा होते ही जाएगा, तो वो जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे यील्डिंग पॉइंट, मतलब 15 kg से शुरू हुआ उसका पॉइंट चेंज होना, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे यील्डिंग पॉइंट। फिर देख लेते 10 नंबर क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस जो कहते हैं, तो इसका क्या दोनों का लोड पर और एरिया का जो अल्टीमेट लोड होता है, मतलब मैक्सिमम जो लोड हो जाता है आपका, ठीक है, उस बाय हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलेंगे अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब क्या है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब टूट जाएगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस तो क्या है, लोड पर एरिया दोगे, ज़्यादा लोड दे दोगे, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो क्या होगा, वो टूट जाएगा, तो इसलिए उसका नाम दिया गया अल्टीमेट स्ट्रेस और ब्रेकिंग स्ट्रेस, मतलब जिस लोड पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप ज़्यादा लोड दे दोगे तो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो इसलिए उसका नाम है अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल सकते हो, अल्टीमेट लोड बोल सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेस बोल सकते हो। फिर देख ले तो वर्किंग स्ट्रेस, मतलब हम जिस स्ट्रेस पे हम काम करेंगे सेफली, देखो तो इसका अलग नाम है सेफ्टी स्ट्रेस, ये हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस सेफ्टी स्ट्रेस नहीं है, इस अल्टीमेट स्ट्रेस में ब्रेक हो जाता है, पर हमारा वर्किंग स्ट्रेस जो है सेफ्टी स्ट्रेस, उसी स्ट्रेस में हम सेफ्टी काम करेंगे। ज़्यादा अगर आप फोर्स दे दोगे, ज़्यादा हमरिंग करोगे तो कोई भी मेटल टूट जाएगा, पर एक लिमिट है स्ट्रेस का, उस लिमिट में आप मेटल को बढ़ा मतलब कुछ आप हल्का सा हमरिंग करोगे तो टूटेगा नहीं, तो उसको बोलेंगे सेफ लोड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये दो चीज़ आप सिंपल से याद रखिएगा, वर्किंग स्ट्रेस मतलब सेफ लोड और हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस मतलब अल्टीमेट लोड, ज़्यादा लोड हो जाएगा। फिर देख लेते 12 नंबर हमारा सेफ्टी फैक्टर, ये फ्रेंड ये एग्जाम पे आता है, सेफ्टी फैक्टर मतलब क्या है, ये दोनों का रेशियो कर देंगे आप, तो देखिए अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है, या तो मैक्सिमम स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, तो यहाँ पे वर्किंग स्ट्रेस जो होता है वो कम होता है और अल्टीमेट स्ट्रेस जो ज़्यादा वैल्यू होता है उसका, तो हमेशा ऊपर जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, नीचे हमारा कम रहेगा। ये ब्रेकिंग स्ट्रेस जो उसका नाम ही अल्टीमेट स्ट्रेस है, अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस बोल सकते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर क्या है हमारा, ये जो 10 और 11 का हमारा रेशियो है, अल्टीमेट स्ट्रेस व वर्किंग स्ट्रेस का नाम है हमारा सेफ्टी फैक्टर, और उसका नाम है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो FOS से डिनोट किया जाता है कभी कभार अगर प्रॉब्लम करना पड़ता है। तो अभी तो क्या मैं इतना डीपली और नहीं बता रहा फ्रेंड, अभी आपका एग्जाम में है तो आप जस्ट इसको हल्का सा याद करके जाइएगा। आज फ्रेंड्स हमारा 19 तारीख है, शायद आप लोगों का एग्जाम कल है फ्रेंड, कल नहीं सॉरी 19-20 को है ना, 20 का 21 का है आपका एग्जाम, तो फ्रेंड फिर देख लेते हैं, सॉरी 21 के आपका एग्जाम मतलब संडे है, तो और एक दिन बचा है आपके लिए एग्जाम का। फिर देख लेते हैं लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन का मतलब क्या है, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, सिंपल सा है। फिर पॉइजन रेशियो, ये एग्जाम में आता है पॉइजन रेशियो 14 वाला, पॉइजन रेशियो मतलब लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ये आपको याद रखना है। फिर बल्क मॉडुलस, देखिए बल्क मॉडुलस उसका डिनोट करते हैं के, और बल्क मॉडुलस का है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मतलब पूरा बॉडी वॉल्यूम चेंज होता है। तो अगर हम इसको ECK मतलब हमारा यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीनों का अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या है, E=9KC/3K+, ये फॉर्मूला भी कभी कभार इसमें में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का जो इतना ही वीडियो है, और अगर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो मान लीजिए 100% गारंटी से मैं बोल सकता हूँ कि आपका इस ये जो मैंने टोटल कितना पॉइंट दिया 16 पॉइंट है टोटल, ठीक है, इसको मान लीजिए 16 में से आपको अगर कोई भी एक मार्क आएगा तो कंफर्म इसी में से ही आएगा, तो 100% आप ये पढ़ के जाइए टोटल, तो आपको एक मार्क कंफर्म है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से शुरू होने वाला है हमारा
सिंपल मशीन क्या है, सिंपल मशीन का टोटल एक चैप्टर में मैं कल में पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरा अभी थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं कंटिन्यू कर नहीं पा रहा हूँ वीडियो, पर उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। और मैं ट्राई तो कर रहा हूँ मेरा जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद पूरा कंटिन्यूसली वीडियो शुरू कर दे, ठीक है। और आने वाले बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं आपका, अभी देखिए बहुत सारे वैकेंसी भी आ रहा है, अभी भाभा एटॉमिक का भी वैकेंसी आ रहा है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन का भी वैकेंसी आ रहा है, तो वैकेंसी आता रहेगा, बस आप मन लगा के पढ़ाई करें, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।